राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनहो में बाल दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पाठशाला के चारों सदनों ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें अनुराधा व श्वेता ने प्रथम स्थान हासिल किया। पाठशाला के बच्चों ने बाल दिवस के अवसर पर खूब मनोरंजन भी किया तथा भारत की महान विभूति पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेशों और सिद्धांतों को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। इस पावन अवसर पर पाठशाला के प्रधानाचार्य अशोक कुमार सोनी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। उन्होंने भारत देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने में अपना विशेष योगदान भी दिया था और उन्होंने भारत देश की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेलों की यातनाएं भी सहन की। उन्होंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद प्यार था, इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी से प्रेरित होकर बच्चों को संदेश दिया कि बच्चों के जीवन में तीन गुण होने चाहिए। बच्चों का आचार व्यवहार और अच्छे संस्कार होने चाहिए, क्योंकि तभी तो जवाहरलाल नेहरू बच्चों के लोकप्रिय रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें उनके आचरणों और सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। हमें उनकी कुर्बानियों को भी अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाना चाहिए और जब भी हमारे भारत देश की स्वतंत्रता और अखंडता पर खतरा मंडराए तब हमें तन मन धन से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए।